मामला जनपद बिजनौर के सिवहारा क्षेत्र का है, जहां सुरक्षा का दमखम भरने वाली यूपी पुलिस की लापरवाही का आलम उस वक्त देखने को मिला जब नाबालिग युवती अपने प्रेमी संग कुछ दिन पहले फरार हो गई थी। हालांकि पुलिस की छानबीन तलाशी के दौरान फरार नाबालिग युवती को बिजनौर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। आज पुलिस दोपहर के वक्त अपनी कस्टडी में लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में बने किशोर न्याय बोर्ड में काउंसलिंग के लिए पेश करने के लिए लाए थे। नाबालिग युवती के परिजन भी मौजूद थे। प्यार में पागल नाबालिग युवती किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ जाने के लिए रजामंद नहीं थी। किशोर न्याय बोर्ड के पैनल ने बमुश्किल युवती को समझा बुझाकर परिजनों को सौंप दिया। लेकिन इसी बीच कलेक्ट्रेट परिसर से निकलने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी संग कार में सवार होकर फरार हो गई। हालांकि उस दौरान दरोगा महेंद्र सिंह और कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। युवती परिवार वालों का साफ तौर से आरोप है कि दरोगा पहले से ही प्रेमी के परिवार वालों से हम साथ था, जानबूझकर दरोगा और पुलिसकर्मियों ने उनके बेटी का कार में अपहरण कराया है। मिथुन नाम है मेरा। हाँ। हम हैं पे गए जगह, हम इतने हम पहुंचे नहीं, जबरदस्ती हमारी लड़की दरोगा साहब ने गाड़ी में बिठा दी है। न हमें लड़की दी है न कुछ दिया है, जबरदस्ती हमारी लड़की सिवारे थाने का हूँ, सब हमारा गांव है सब तो बेरखा। अब दरोगा का नाम है महेंद्र सिंह। कब से गायब थी तुम्हारी बहन? हमारी बहन 17 तारीख से गायब। अच्छा, पिछले महीने की उम्र 14 साल 5 महीने 1-2 दिन जरा 1 दिन था। बरामद कब हुई? आज यहाँ हुआ था। क्या हुआ आज? क्या होता सब हो गया था। लड़की हमारे पास आ गई थी और दोनों दरोगा सामने जबरदस्ती हमारी लड़की गाड़ी में बिठवा गई है। कौन लोग थे जो ले गए? दो लड़के वाले थे। कौन है वो लड़के वाले? कहाँ के रहने वाले? इप्सा मुराद के एक बैठी है औरत, वो दरोगा साहब ने बिठा रखी है। इनके बयान हो रखे ना, क्या करोगे हमें नहीं पता क्या हो रखा है। दरोगा साहब ने पैसे लिया देना, क्या ये लड़की हमें दी नहीं, लड़की हमारे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दी है अपनी, बिठवाया गया 5-10 लाख लिए 15 लाख, वो हमें नहीं पता रहने वाले इप्सा मुराद के तो से रहे बिलोंडे लेकर भाग के हमारी जबरदस्ती ले गए। जी जबरदस्ती लेके हाँ जबरदस्ती लेके भगा के भाई चाहते हो? हम अपनी लड़की चाहते हैं, लौंडे को जेल खत चाहते हैं, वो दरोगा साहब को कुछ सुनवाई चाहते हैं। विकलांग हूँ, मेरी लड़की से आपके क्या मामला है? मामला ये था कि लड़की महेंद्र सिंह एसआई के द्वारा आई थी और लड़की सुबह से अपने पेरेंट के साथ आने को मना कर रही थी, लेकिन उसकी हमने काउंसलिंग करी, उसका समझा बुझा के हमने कहा तुमने भाई के साथ लिया, तेरा भाई तेरी पूरी सुरक्षा करेगा और तू उसके साथ ही रहना। फिर भी लड़की मना करती रही, लेकिन हमने उसे बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, अच्छे से प्यार से समझाया उसे, तो तैयार हो गई जाने के लिए। अब यहाँ से उसके कागज बन गए, सबूरती हो गई, फ़ोटो खींच गया। अब फोटो खींचने के बाद लड़की यहाँ से जा रही थी, तभी देखा कि बाहर कुछ भीड़ थी, तो हमने एसआई सर को और जो महिला कस्टडी थी अन्नू, उनको कहा कि इनको बाहर निकालो और लड़की को इनके लड़की के भाई और माँ के साथ छोड़ाओ बाहर तक रोड तक। तो इतना हमने कहा, इतने ही हुआ वो बाहर चले, तो लड़की खुद लड़की तैयार थी खुद अपने आप भागने के लिए शायद, तो लड़की ने एकदम जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आगे चलो, आगे तो लड़की को ही रखते, लड़की आगे को भेजी, आगे को लड़की भेजी, जैसे ही लड़की आगे गई और तुरंत लड़की भाग कांस्टेबल को कांस्टेबल को और उन्होंने भी दरोगा जी को, और लड़की खुद तुरंत आगे भागी और गाड़ी और गाड़ी में बैठते ही तुरंत लड़की धक्का लड़की ने मारा या लड़की ने मारा कोई गाड़ी में चलता दिखाई नहीं दिया, कोई गाड़ी में चलता दिखाई नहीं दिया, पर लड़की धक्का मारा लड़की लड़की खुद गई नाबालिग हमने तुरंत जो है दरोगा जी को पुनः फोन करा, 112 को कॉल की, एडिशनल एसपी को कॉल की, अपने डीपीओ सबको कॉल की, हमने सब जगह फोन मिला के और उन सबको सूचना दी। नहीं लड़के भी बरामद उसके पीछे है, क्योंकि एक लड़की और बैठी है उनकी गाड़ी।